अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पिंक रन राइड का आयोजन किया गया। साइकिल रन को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारी बहनों के लिए समर्पित है और इस खास मौके पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जो कि आगामी 14 मार्च तक जारी रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान निरोगी रहे इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने निरोगी राजस्थान जैसे अभियान की पिछले साल राज्य में शुरुआत की थी, लेकिन कोरोना आने की वजह से यह अभियान रफ्तार नहीं पकड़ सका, लेकिन अब इस अभियान को साकार किया जाएगा। इस मौके पर एनएचएम मिशन निदेशक नरेश ठकराल समेत अन्य स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बहनों के लिए समर्पित दिन है ये और पूरी दुनिया आज महिला दिवस के रूप में आज के दिन को मनाती है। ऐसे शुभ दिवस पर हमारे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा रन एंड राइड को हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स के ऊपर प्रारंभ किया गया है। ये 7 दिन चलेगा प्रोग्राम। इसमें 1 किलोमीटर की राइड है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। ये हेल्थ अवेयरनेस को ध्यान में रख के ये रन एंड राइड प्रोग्राम रखा गया है। पूरे राजस्थान में होगा। मुख्यमंत्री जी की हमेशा इच्छा रही है कि राजस्थान निरोगी रहे और इसीलिए उन्होंने 1 साल पहले निरोगी राजस्थान कार्यक्रम शुरू किया था 10 पॉइंट्स को लेके। उसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे थे, उसी बीच में कोरोना महामारी आ गई, थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट हुआ क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बचाना हमारी प्राथमिकता थी, लेकिन ये काम भी चलता रहा।